नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पास गाड़ी है आज रेनॉल्ट डस्टर 110। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 110 है और गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी एक्चुअल में ECM के अंदर। यहाँ पर गाड़ी का ओरिजिनल ECM है और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर फॉल्ट कोड आ रहा था, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अभी हमने गाड़ी के अंदर कंप्लीट किट लगाई हुई है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्लीट किट में आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा। आपको लगाना पड़ेगा ECM, जो यहाँ पर लगा के रखा हुआ है मैंने, ये रहा इसका ECM। और आपको लगाना होगा गाड़ी का BCM। BCM एक्चुअल में ये जो ग्लव बॉक्स होता है इसके जस्ट नीचे होता है, ये दो सॉकेट का BCM रहता है ये गाड़ी। और ये होगा आपका एक ब्लैक कलर का सॉकेट होगा, एक होगा वाइट। तो ये आपको BCM लगाना है। यहाँ पर एक लेबल लगा होता है, इसमें रेनॉल्ट का लेबल लगा हुआ है इस तरीके से, ये BCM हो गया। बाकी का आपको लगाना होगा चाबी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो एक्चुअल में हमने थोड़ा सा इसमें जुगाड़ किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्चुअल में इसमें अकेला ट्रांसपोंडर प्रोग्राम किया हुआ है, तो गाड़ी का जो सर्किट था इस गाड़ी का खुद का, वो तो हमने अलग कर दिया। और ये ट्रांसपोंडर केवल टेस्टिंग पर्पज से हम लोग इसे कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोंडर हमने कुछ इस तरीके से इसमें रखा। और आपको करना है चाबी ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट है, ये होता है इसका इमो का लाइट, और ये लाइट बंद हो जाना चाहिए। ये लाइट बंद हो गया, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसपोंडर है यहाँ पर जो हमने लगाया हुआ था, सॉरी गिर गया नीचे, ये जो ट्रांसपोंडर है ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। इस तरीके से आपको लगाना है और ऐसे आप बंद कर सकते हैं, इस तरीके से आपको इसे ऑन करना है। तो ये हमने ऑन किया हुआ है, सारी लाइट्स बंद हो गई और अभी हम करते हैं इसे स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, केवल ABS की लाइट आ रही है। तो हो सकता है कोई इसके अंदर इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से लाइट आ रही है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।